हर महीने 50,000 से लेकर 1,00,000, 2,00,000 या तो 3,00,000 तक की कमाई कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस और उद्योग की चैनल। आज के वीडियो में हम सुपारी कटिंग के बिजनेस की सही और सच्ची जानकारी देखेंगे। इसमें सभी तरह की सुपारी कटिंग मशीन देखेंगे, जैसा कि सुपारी चिप्स कटिंग, टुकड़ा कटिंग, ममरी कटिंग, डायमंड कटिंग या सुपारी फाटसा कटिंग। ये सभी तरह की सुपारी कटिंग के मशीन इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि बहुत ही आसानी से सुपारी कटिंग का बिजनेस आप कर सको। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करें ताकि आप हर रोज बिजनेस के नए नए वीडियो देख सके। ये मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए कंपनी के नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस मशीन को खरीद सकते हो। दोस्तों, ये सुपारी कटिंग करने का सबसे छोटा मशीन है और इसमें कोई खर्च नहीं है, ना ही बिजली का खर्च है और ना ही मेंटेनेंस का खर्च है। दोस्तों, इसे हम एक घंटे में हम 2 किलो सुपारी कटिंग कर सकते हैं और इसे हम बहुत ही आसानी से हम कहीं भी ऐसे हम लगा सकते हैं और सुपारी कटिंग बहुत ही आसानी कर सकते हैं। सुपारी कटिंग करने के लिए आपको सुपारी यहाँ 1x1 रखकर ऐसे आप प्रेस करोगे और इसको हाथ से चलाओगे तो आपको यहाँ सुपारी कटिंग के सबसे छोटे मशीन से हम इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। अभी आप इस वीडियो में देख रहे हो, इस तरह से बहुत ही आसानी से हम सुपारी कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, सिर्फ उसमें जो ब्लेड होती है वही आपको चेंज करनी पड़ती है। दोस्तों, इससे भी हम और तेजी से कटिंग कर सके, सुपारी कटिंग के मशीन हमारे पास है तो हम वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये मशीन सुपारी कटिंग करने का, उससे भी हम तेजी से इसमें सुपारी कटिंग कर सकते हैं। इसमें हम हाथ से भी हम कटिंग कर सकते हैं और इसमें मोटर लगा के भी हम कटिंग कर सकते हैं। इसमें हम बारी बारी से यहाँ सुपारी डालेंगे और ये घुमाएंगे तो यहाँ सुपारी कटिंग के ऐसे हम आप कटिंग कर सकते हैं। इस मशीन से हम रफ कटिंग और चिप्स कटिंग, ये दोनों कटिंग हम इस मशीन से कर सकते हैं। दोस्तों, इसे हम एक घंटे में 8 किलो सुपारी कटिंग कर सकते हैं और इसे हम पानी में भिगोकर भी कर सकते हैं। इसे हम हीट हुई सुपारी भी हम कटिंग कर सकते हैं और इसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है और बिजली का जो आप मोटर लगाओगे, हाथ से करोगे तो आप बिजली का बिल नहीं हो सकता, लेकिन आप जो मोटर लगाओगे उसका सिर्फ बिजली का बिल हो सकता है। दोस्तों, ये मशीन 65 साल से इस कंपनी ने सबसे पहला ये मशीन बनाया था। बाद में इसे जो भी कस्टमर ने मांगा उस तरह से उस मशीन में डेवलप करके और भी सुपारी कटिंग के लिए दूसरे भी हम मशीन बनाए हुए, वो भी हम बारी बारी देखेंगे। दोस्तों, इससे भी हम तेजी से कटिंग कर सकते हैं, ऐसे तो हम वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, सुपारी कटिंग का एक और भी हम मशीन देखेंगे जिसमें उससे भी हम तेजी से हम कटिंग कर सके, ऐसा भी मशीन हम देखेंगे। इस मशीन में आप मैन्युअली 1x1 सुपारी डालकर आप हाथ से भी कटिंग कर सकते हो और यहाँ मोटर डाल के भी हम कटिंग कर सकते हो। दोस्तों, इस मशीन से हाथ से आप कटिंग करोगे तो एक घंटे में 4 से 5 किलो तो आप कटिंग कर सकोगे और मोटर लगा कर इस मशीन से कटिंग कर सकोगे तो एक घंटे में 15 से 20 किलो कटिंग करोगे, जिसमें पानी में भिगो कर भी आप कर सकते हो और सूखी भी आप सुपारी कटिंग कर सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस मशीन से हम चिप्स कटिंग कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये हाथ सेट नहीं होता है तो आप घुमाकर इस तरह भी आप कर सकते हो। दोस्तों, जब आप इस मशीन को परचेस करोगे तब आपको ये हाथ घुमाने का, सेटिंग करने का भी आपको सिखा दिया जाएगा। दोस्तों, सुपारी कटिंग करने का ये ऑटोमेटिक मशीन है। इस मशीन से पानी में भिगोई हुई
सुपारी कटिंग भी कर सकते हैं और सेकी हुई सुपारी भी हम कटिंग कर सकते हैं। इसके लिए सुपारी को हम यहाँ बारी बारी से रखेंगे और जैसे भी हम प्रेस करेंगे सुपारी कटिंग यहाँ हम इस तरह से हम सुपारी कटिंग करेंगे। तो देखा दोस्तों, इस तरह से बहुत ही आसानी से हम इस मशीन से सुपारी कटिंग कर सकते हैं। इस मशीन से हम एक घंटे में 8 से 10 किलो सुपारी कटिंग कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक है, ये मोटर और बिजली से ही चल सकता है। हमने आगे देखा कि मैन्युअली और मोटर दोनों में चल सकते हैं, ऐसे हम सुपारी कटिंग की मशीन देखी और ये मशीन सिर्फ और मोटर से ही चल सकता है। सुपारी कटिंग का मशीन हमने अभी देखा जिसमें एक ही बंदा काम कर सकता है, लेकिन हम इस मशीन से हम दो बंदे आमने सामने बैठकर और भी तेजी से सुपारी कटिंग कर सकते हैं। इस मशीन से पानी में भिगोई हुई भी सुपारी कटिंग कर सकते हैं, सूखी सुपारी कटिंग भी कर सकते हैं और सेकी हुई सुपारी भी कटिंग इसमें कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको वन बाय वन सुपारी यहाँ डालकर जैसे आप प्रेस करोगे तो आप यहाँ इस तरह से चिप्स कटिंग कर सकते हैं और रफ कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हम पतली भी कटिंग कर सकते हैं और झाड़ भी कटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ बॉल डेक सेटिंग करना पड़ता है, घुमा जैसे भी हम घुमाएंगे वैसे इस तरह से हम इसे मशीन से कटिंग कर सकते हैं। इसमें चिप्स पतली भी कर सकते हैं और झाड़ी भी आप सुपारी कटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी स्पीड है एक घंटे में 15 से 20 किलो तक इस मशीन से हम कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये मशीन ऑटोमेटिक है, इसे हम हाथ से नहीं चला सकते, ये बिजली से चलने वाली ये सुपारी कटिंग करने का मशीन है। दोस्तों, हम इस मशीन से हम डायमंड कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि टुकड़ा कटिंग कर सकते हैं और चना कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन से हम डायमंड कटिंग छोटे से छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं और बड़े भी टुकड़े कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग जाली भी हम देते हैं, जैसे कि आपको जो भी साइज़ की टुकड़े की कटिंग करने हो उसी साइज़ की जालियाँ आपको लगानी पड़ती है। दोस्तों, जब आप इस मशीन को परचेस करोगे तब आपको ये जाली किस तरह से लगाई जाती है वो भी हम सिखा देंगे, ताकि आप बहुत ही आसानी से टुकड़ा कटिंग कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी सुपारी, जैसे कि पानी में भिगोई हुई और सूखी सुपारी भी कटिंग कर सकते हो और नहीं तो आप सेकेली सूखा सुपारी भी आप कटिंग कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको दो तरह से ये मशीन काम कर सकता है, जैसे कि आप यहाँ सुपारी वन बाय वन डालकर अपने हाथ से ये पहिया घुमा कर भी आप सुपारी कटिंग कर सकते हो और मोटर लगाओगे तो ये मशीन ऑटोमेटिक काम करेगा। दोस्तों, इस मशीन से हम हाथ से कटिंग करें एक घंटे में 5 से 6 किलो कटिंग कर सकते हैं और अगर हम मोटर लगाकर ऑटोमेटिक ये मशीन चलाए तो एक घंटे में 15 से 20 किलो तक सुपारी कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में सुपारी कटिंग करने के अलग अलग मशीन देखी, जैसा कि सुपारी हम चिप्स भी कटिंग कर सकते हैं और डायमंड भी और टुकड़े भी कटिंग कर सकते हैं, ऐसे भी हमने अलग अलग मशीन देखी। लेकिन दोस्तों, इस मशीन में हम दो काम कर सकते हैं, यानी कि इस मशीन में हम टुकड़ा भी सुपारी कटिंग कर सकते हैं और चिप्स भी कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये मशीन हम हाथ से भी चला सकते हैं और मशीन ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। दोस्तों, ये मशीन को टू इन वन कहा जाता है। दोस्तों, इस मशीन से आप सभी तरह की सुपारी कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन में आप यहाँ से सुपारी डालोगे तो टुकड़ा कटिंग होगी और यहाँ से आप सुपारी डालोगे और यहाँ इस तरह से प्रेस करोगे तो चिप्स कटिंग होगी। इस तरह से दोस्तों, इस मशीन से हम दोनों तरह की सुपारी कटिंग कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से अगर ये सोपारी कटिंग करने का बिजनेस करना है तो ये मशीन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस मशीन से हम सब कटिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। सोपारी के टुकड़े की डायमंड कटिंग भी कर सकते हैं, टुकड़ा कटिंग भी कर सकते हैं और चिप्स कटिंग भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको सोपारी कटिंग का बिजनेस करना है तो ये मशीन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और दोस्तों, इस मशीन से सूखी सोपारी भी कटिंग कर सकते हो, गीली सोपारी भी कटिंग कर सकते हो और सेकी हुई सोपारी भी कटिंग कर सकते हो। ये मशीन खरीदोगे तो आपको दो तरह का फायदा होगा। एक तो आप दो अलग अलग मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही मशीन से दो मशीन का काम कर सकते हो और मोटर लगाकर ऑटोमेटिक भी कर सकोगे, ताकि आपकी दो मशीन की इलेक्ट्रिसिटी आप एक ही मशीन में लगाकर आप इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी आप बचा सकते हो। तो इस तरह से ये मशीन बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों, इस मशीन से आप जो भी कटिंग करना चाहो, यानी कि चिप्स कटिंग करना चाहो या तो डायमंड कटिंग का टुकड़ा कटिंग करना चाहो, अगर आप हाथ से काम करोगे तो 5 से 6 किलो तक की आप सोपारी कटिंग कर सकोगे। दोस्तों, अगर आप इसे ऑटोमेटिक यानी कि मोटर से काम करोगे तो इस 1 घंटे में 15 से 20 किलो कटिंग आप कर सकोगे। अगर आप सोपारी के टुकड़े करने हैं तो जो भी साइज की सोपारी के टुकड़े करने हो तो उसी साइज की आपको जाली लगानी पड़ती है। दोस्तों, जब आप इस मशीन को परचेस करोगे तब जाली किस तरह लगाई जाती है वो भी आपको सिखा दी जाएगी। दोस्तों, सोपारी कटिंग करने का ये अलग से मशीन है। हमने अभी इस वीडियो में देखा सोपारी के हम सिर्फ चिप्स बना सकते थे, लेकिन इस मशीन से हम सोपारी के 2 पीस बना सकते हैं। सोपारी के 2 पीस बनाने का मशीन है ये, इसको फारचा मशीन भी बोला जाता है। दोस्तों, ये मशीन, ये जो सोपारी के जो 2 पीस है वो दक्षिण भारत में बहुत ही चलता है और ये मशीन वहाँ बहुत ही चल सकता है। दोस्तों, सोपारी कटिंग के 2 पीस करने के लिए हम इस मशीन की सोपारी यहाँ बारी बारी डालेंगे और यहाँ से हम प्रेस करेंगे। जैसे भी हम प्रेस करेंगे तो हम सोपारी कटिंग के यहाँ सोपारी कटिंग के 2 पीस हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन से हम 1 घंटे में 20 से 30 किलो सोपारी कटिंग हम बहुत ही आसानी से इस मशीन से कर सकते हैं। दोस्तों, सोपारी कटिंग करने का हमारे पास एक और भी मशीन है। ये सोपारी कटिंग करने का मशीन है जो एक सोपारी के 2 टुकड़ा करता है, इसको फारचा मशीन भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको सोपारी 1 by 1 हम यहाँ रख के जाएंगे, जिस तरह रखे जाएंगे और ये मशीन ऑटोमेटिक यहाँ घूम कर ये सोपारी कटिंग करेगा। दोस्तों, इस मशीन से हम 1 घंटे में 12 से 15 किलो तक का सोपारी कटिंग हम कर सकते हैं और ये मशीन ऑटोमेटिक है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगाकर इसे चलाया जाता है। दोस्तों, जैसे हम सोलोठा से सोपारी कटिंग कर सकते हैं तो वैसा ही फिनिशिंग हम इस मशीन से सोपारी कटिंग का हम कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में सोपारी कटिंग की अलग अलग मशीन देखी। हमने चिप्स कटिंग के सोपारी कटिंग के मशीन देखे जिसमें हम चिप्स कटिंग कर सकते हैं। हमने डायमंड कटिंग, टुकड़ा कटिंग के मशीन हमने देखे जिसमें हम सोपारी के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। हमने हैंड से, हाथ से चलाने वाले सोपारी कटिंग के मशीन देखे और ऑटोमेटिक मोटर लगाकर चलाने वाले मशीनरी देखे। दोस्तों, अगर आपको ये बिजनेस करना है, सोपारी कटिंग का बिजनेस आपको करना है तो दोस्तों, हम इस मशीन के सेल्स मैनेजर से मिलेंगे और बात करेंगे कि ये मशीन हम कितने में खरीद सकते हैं और हम कितना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और हम इस मशीन से कितने पैसों की कमाई कर सकते हैं, और वो सारी बातें हम दक्षेश भाई से मिलकर बात करेंगे। नमस्कार दक्षेश भाई। नमस्कार। हम ये राठौड़ मशीन टूल्स लास्ट 65 ईयर से सुपारी कटिंग मशीन बना रहे हैं। दादा के
तरफ से आ रहा है मशीन ये, और अभी हमारे पास सुपारी चिप्स का मशीन है, टुकड़े का मशीन है, एक सुपारी का दो पीस होता है, उस तरह की अलग अलग सब मशीनरी है हमारे पास। जैसे जैसे कस्टमर का अपडेशन आता रहता है उस तरह से हम मशीन को डेवलप करते रहते हैं, उसके अंदर कैसा इम्प्रूवमेंट करना रहता है वो कस्टमर हमको बोलते हैं, वो हिसाब से हम सब मशीनरी अलग अलग इम्प्रूवमेंट करके करते हैं। दोस्तों राठौड़ मशीन टूल्स पिछले 65 साल से काम कर रहा है, और दोस्तों ये मशीन सोपारी कटिंग करने का मशीन सबसे पहले उन्होंने बनाया, और बनाने के बाद कस्टमर को चलाने में जो भी दिक्कत आई तो उस मशीन में अपडेट करके ये मशीन बनाया। दक्षेश भाई हमें बताएं कि ये मशीन हम कितने में खरीद सकते हैं? ये मशीन हमारे पास 4000 से लेके 85000 तक की हमारे पास रेंज है मशीन की, जिसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। किसी का चिप्स का रहता है, किसी का टुकड़े का रहता है, किसी का दो पीस का रहता है, उस तरह से सुपारी की अलग अलग सब हमारे पास रेंज है, और प्राइसेस भी सबका डिफरेंट डिफरेंट है। दोस्तों ये मशीन 4000 से लेकर 85000 तक की अलग अलग मशीनें हैं। दोस्तों आपको जिस तरह का भी काम करना हो उसी तरह से आप मशीन खरीद सकते हो। समझ लो कि आपको बहुत ही कम प्रोडक्ट निकालनी है तो आप ये मशीन खरीद सकते हो, और उससे ज़्यादा प्रोडक्ट निकालनी है तो ये खरीद सकते हो, उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद निकालनी हो तो ये खरीद सकते हो, और आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट निकालनी है तो वो भी खरीद सकते हो। कहने का मतलब है कि आपको जिस तरह की प्रोडक्ट निकालनी है, जिस तरह की आपको काम करना है, उसी तरह से आप मशीनरी खरीद सकते हो। दक्षिण भाई हमें बताएं इस मशीन में सर्विसेज और मेंटेनेंस किस तरह का होता है? इसमें ऐसा कोई सर्विस या मेंटेनेंस जैसी कोई चीज़ है नहीं, उसमें खाली आपको ब्लेड का ही मेंटेन करना है। उसको वीकली आप ब्लेड को शार्पनेस करते रहोगे तो किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा मशीन में। जब आप मशीन परचेस करोगे तब आपको सब यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि उसको किस तरह से आपको क्या क्या मेंटेन आएगा मशीन में, किस तरह से आपको उसका काळजी लेना है, वो सब आपको यहाँ समझाया जाएगा। दोस्तों जब आप मशीन खरीदोगे तब इस मशीन की सर्विसेज मेंटेनेंस वो सब आपको सिखा दी जाएगी। दक्षेश भाई ये जो ऑटोमेटिक मशीन है इसमें बिजली का बिल कितना होता है? इसमें मेजोरिटी 0.5 HP से लेके 2 HP तक की मोटर लगती है, तो मैक्सिमम आपको 2 या 3 यूनिट पर आवर आपका यूज होता है, बिजली का ज़्यादा खर्च आपको इतना नहीं है। दक्षेश भाई ये जो आप सुपारी कटिंग है वो आपने कहाँ कहाँ बेच सकते हो, मतलब ज़्यादा चल सकते हैं? सुपारी का चलन हर जगह पे है, अपने गुजरात में है, MP में है, आप कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, सब जगह सुपारी का चलन है, और हर जगह सुपारी कटिंग का मशीन चल रहा है, और हम एक्सपोर्ट भी सुपारी का मशीन करते हैं हर जगह हर कंट्री में। दोस्तों कहने का मतलब है कि सुपारी कटिंग का बिजनेस हर जगह चलता है। दोस्तों सुपारी खाने वाले सभी जगह मिल जाएगी, गुजरात में मिल जाएगी, बाहर MP में, दक्षिण भारत में, सभी तरह की आपको मिल जाएगी। दोस्तों राठौड़ मशीन टूल्स ने सबसे पहले ये मशीन बनाया, आज से 65 साल पहले सुपारी कटिंग का ये मशीन सबसे पहले ये मशीन बनाया, तो हम मिलेंगे राठौड़ मशीन टूल्स के मालिक से मिलेंगे। नमस्कार अशोक भाई। नमस्कार। बस अशोक भाई हमें बताया कि आपने 65 साल पहले सुपारी कटिंग का मशीन आपने बनाया, तो वो इसमें बनाने में क्या दिक्कतें आई, और ये मशीन आपको किसने शुरू किया, तो वो सारी बातें हम आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। ये जो मशीन है वो मेरे फादर ने 65 ईयर पहले बनाया था, और 65 ईयर में पहले सुपारी का बनाया था और हैंड मॉडल बनाया था, और जब डिमांड बढ़ गया तो उसमें मोटर वाला हमने बनाया, तो मैं 42 ईयर से बनाता हूँ, और 42 ईयर से मैंने उसको मोटर वाला बनाया और स्टैंड फिट किया, और स्टैंड और मोटर वाला और पूरा कवर के साथ ये मशीन मॉडल बना दिया मैंने, और ये मॉडल का डिमांड निकल गया, और ये डिमांड निकल गया तो लोग कहते हैं कि और भी कोई
चना कटिंग का या टुकड़े का बनाऊं, तो मैंने एक अपनी डिजाइन से और अपनी पैटर्न से सब ये डेवलप किया और अपनी डिजाइन से इस सुपारी टुकड़े का मशीन बना दिया। और सुपारी टुकड़ा नागपुर में और महाराष्ट्र में पूरा मेरा मशीन बिकने लगा और मैंने पूरा अपनी तरफ से ही डिजाइन किया है सब। और अभी ये इसके बाद मैंने एक दोनों को साथ में मिलाकर टू इन वन बना दिया, दोनों साथ में मिलाकर टू इन वन बना दिया। तो टू इन वन क्या है कि एक ही आदमी से, एक ही मोटर से, एक ही टाइम से दोनों कटिंग होता है और जगह भी कम रुकती है। तो जगह कम होने से वो सब मॉडल ये भी चल गया मेरा। तो बाजार में मेरा तिरुपति नाम के सुपारी का जो आइटम था वो सब पूरा इंडिया में चल गया। और मैंने सोचा कि चलो अभी और भी मॉडल बनाए, तो मैंने उसमें इतना डेवलप किया, इतना डेवलप किया और कस्टमर का जो डिमांड था वो डिमांड के हिसाब से मैंने एक का दो पीस का फारचा मशीन बनाया। एक का दो पीस फारचा मशीन का ये फारचा मशीन है, एक का दो पीस, ये भी पूरा महाराष्ट्र में नागपुर में सब चला गया। और इसके बाद ये मॉडल मैंने सब मॉडल बना दिया और इसे एक छोटा और भी 15-20 साल से मैं बना रहा हूँ। ये सबसे 15-20 साल से मॉडल बना रहा हूँ मैं। ये मॉडल है मेरा बहुत फेमस है, ये पूरा आउट ऑफ कंट्री भी बहुत जाता है, ये पूरा इंडिया और इंडिया के बाहर जो हवेली होता है, जो पान का छोटा छोटा जो गल्ला होता है उसके लिए बहुत यूज होता है। ये 50-50, 60-60 पीस लोग मंगा लेते हैं और ये मेरा पूरा इतना हो गया कि पूरा इंडिया में मेरा नाम हो गया मार्केट में। और पिछले 15-20 साल से जो मेरा नाम चल गया तिरुपति नाम से, तो उसमें क्या है कि सब लोग को हरीफाई के हिसाब से सब लोग और भी मैन्युफैक्चर बन गए, वो भी सब मेरा मशीन का कॉपी करने लगा। और वो कॉपी करने में ये मॉडल बना दिया, ये मॉडल बना दिया, सब सुपारी फारचे का टुकड़े का और टू इन वन का, ये पूरा राजकोट में छिला 10-15 साल से और भी मैन्युफैक्चर बन गया। सबका धंधा अच्छा चलता है, सबका धंधा, हमको कोई हरीफाई के हिसाब से हमको कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते, हम पूरा क्वालिटी में ध्यान देते हैं और प्राइस में भी पूरा ध्यान देते हैं। बस दोस्तों, राठौर मशीन टूल्स पिछले 65 साल से मशीनरी बनाता है, तो हमारा कहना कि ये मतलब है कि सोपारी कटिंग मशीन के इस मालिक को बहुत ही गहरा अनुभव है कि सोपारी कटिंग का हर तरह से मशीनरी आपको यहाँ मिल जाएगी। और जैसे कि आप चिप्स कटिंग करते हो, चिप्स में भी आप झाड़ी पतली जो भी कटिंग करना चाहे वो सारी कटिंग इस मशीन से यहाँ कर सकते हो। और डायमंड कटिंग, ममरी कटिंग, टुकड़ा कटिंग और ये सोपारी के दो टुकड़े वो भी इस मशीन से कर सकते हो। कहने का मतलब है कि इस राठौर मशीन टूल्स को पिछले 65 साल से सोपारी कटिंग मशीन बनाने का बहुत ही गहरा अनुभव है। तो हमारा तो आपसे ये कही मशवरा है, सलाह है कि आपको सोपारी कटिंग का बिजनेस करना है तो राठौर मशीन टूल्स से ही आप सोपारी कटिंग मशीनरी खरीदी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हम अगले वीडियो में। हमारा एक ही मकसद है, कोई भी बिजनेस की सच्ची जानकारी आपको देना, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टिक करें, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हो, इस पेज को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।